बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। जी बच्चों, आज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जी, आप पूरी स्टेटमेंट पे ध्यान ना दें, सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ है, अननोन। तो हमारे पास पूरी वैल्यू में अननोन क्या है, सिर्फ एल, वेरिएबल अननोन है हमारे पास। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है ये अननोन है, ठीक है, इसका मतलब हमने एल की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लॉग, कुछ बेस है उसकी, उसकी पावर है, इक्वल है और उसके साथ एक वेरिएबल है, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ाबेट की निकालनी है, ठीक है जी बच्चों। अच्छा, इसके अंदर एक हम रूल अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो भी लॉग की बेस के ऊपर जो पावर होगी, जैसे 81 और इधर एल, हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, 81 की जगह एल लिख देते हैं और 81 को एल की जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें, L चला गया 81 की जगह, 3 की पावर में आ गया, 81 आ गया L की जगह और साथ log ख़त्म हो जाता है। ये भी याद रखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जब हम दो वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो log ख़त्म हो जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे L की पावर 3 आ गई, हम 3 की फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते। अब 81 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, ठीक है, 81 की जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो वो बनेगा 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 अगर हम लेते हैं कैलकुलेटर से तो वो बनेगा 81, ठीक है। अब ये बेस है, ये बेस है, दोनों बेस क्या हैं, सेम है, पावर इक्वल पावर आ जाएगी। ये भी एक रूल याद रखें कि जब बेस सेम होती हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं और पावर इक्वल पावर आ जाती है। इसी तरह अगर पावर इक्वल होती तो वो कैंसिल होनी थी और बेस इक्वल बेस आ जाना था, ठीक है। तो यहाँ से 3 कैंसिल, ठीक है। अब L इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, अगले स्टेप में आपने L इज इक्वल टू 4 लिख देना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। जी बच्चों, अब नेक्स्ट वही क्वेश्चन, सेम मेथड आपने यूज़ करना है। ये देखें ज़रा, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे के साथ, यानी a की पावर में 0.5 आ गया और 6 चला गया 0.5 की जगह और log ख़त्म हो गया। अब 0.5 क्या होता है, 1/2। अब 1/2 ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, इधर भी ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, a रह गया और 6 का स्क्वेयर क्या होता है, 36, ये a निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा जी, n को और 2 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, 2 n की जगह चला गया, n 2 की जगह आ गया, ठीक है, और log ख़त्म हो गया। अब 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 25, वेरी सिंपल, ठीक है जी बच्चों। ये देखिएगा ज़रा, ये वाहद क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास log है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ इस तरह करेंगे, अगर log नहीं है तो log लेके आएंगे, मतलब अगर इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो आपको पता है log ख़त्म हो जाता है, अगर अगेन दोनों वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो log आ जाएगा। देखो ना, अंडरस्टूड बात है कि जब दो वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं तो log ख़त्म हो जाता है, और अगर log नहीं है फिर रिप्लेस करें तो log आ जाएगा। जैसे 40 को p की जगह, p को 40 की जगह कर दिया और log आ गया, ठीक है, log नीचे 10 था वो 10 वैसे ही आ गया। अब देखें, अब बच्चों ज़रा ध्यान से समझिएगा, अब log 40, क्योंकि 10 1 ही होता है, log 10 हमेशा 1 होता है, तो log 40 आ गया। अब log 40 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लेना, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा लिखने की ज़रूरत है नहीं है, लिख भी दें तो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log 40 प्रेस करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और p को उसने इस साइड पे लिख दिया, इसका कोई भी इशू नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, अब आपने करना क्या है, यही क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है आपने क्लास वर्क में लिखने हैं, ठीक है, और होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क जस्ट आपने रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, रफ़ के ऊपर, कोई भी पेज ले लेना या कोई
आपको आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।